मोहम्मद ज़ीशान बॉलिंग करवाने गए हैं साहबज़ादा फरहान को, और बहुत अच्छा बॉल पड़कर थोड़ी हाइट ली और विकेट के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया, फाइट क्रॉस किया, कामरान को ओ बड़े ही अच्छी लाइन लाइन नेवर का आखिरी बॉल करवाने के लिए आगे बाहर क्रॉस की, फिर बॉल किया, फखर ने उड़ता हुआ शॉट खेला है और यकीनन ये कैच, और यूं फखर जमान भी आउट। एक ओवर में दो विकटें ली हैं मोहम्मद ज़ीशान ने। कामरान गुलाम को ने कट किया है और ये बाउंड्री लाइन के बाहर, चार बॉलों पे दो खिलाड़ियों को आउट किया था और अब अपना तीसरा ओवर करवाने के लिए तैयार। शिनशाह को बॉल की, शिनशाह का उड़ता हुआ शॉट, छः रन के बाद हैं और शिनशाह फीबी को शॉर्ट पिच बॉल था, पुल करना चाहते थे। ज़ीशान अपना चौथा बॉल करवाने के लिए गए हैं और बोल्ड कर दिया है इस दफ़ा शिनशाह फीबी को, तो यूं तीसरी विकेट लेने में कामयाब हुए हैं मोहम्मद ज़ीशान। इससे पहले उन्होंने का शिनशाह फीबी ने मारा था वही पड़ा है और इस दफ़ा पुल किया है और एक और शॉट छः रन के लिए। उसके बाद दूसरी बॉल करवाने के लिए दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया और एक और उड़ता हुआ शॉट अब्दुल्ला शफी का छः रन के लिए। तो यूं दो बॉलों पे दो छक्के। तीसरी बॉल करवाने के लिए वंशजात आए बॉल की और इस दफ़ा लेग साइड की जानेब चार रन के लिए। तो ये तीन बॉलों पे तीन बॉल, हारिस गए हैं खुर्रम शहजाद को समझाने के लिए। वाइट बॉल का इशारा, जैसे ही अब्दुल्ला शफी भागना शुरू किया है उन्होंने अंपायर को क्रॉस किया और एक दफा फिर वाइट बॉल, तीन बाउंड्रीज दो वाइट। स्टील चौथा बॉल करवाने के लिए भागे आए, बैक क्रॉस किया बॉल की और उड़ता हुआ शॉट सीधा आमिर जबा और मिस कर दिया है चार रन के लिए। खुर्रम शहजाद अपना पांचवा बॉल करवाने के लिए दौड़ना शुरू किया है उन्होंने और कमेंट्री सीधी चल रही है और कौन है मुना बैटिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक यार तन में नंबर लगाया और एक और बाउंड्री जनाब मिस फील्डिंग पे एक और बाउंड्री हो गई है और यूं पांच बॉलों पे पांच बाउंड्रीज, पांच बॉलों पे 24 स्कोर दे चुके हैं। अब खुर्रम शहजाद अपना छठा बॉल करवाने के लिए आए, बॉल की और वाइड बॉल और वाइड बॉल, खासा लंबा ओवर। खुर्रम शहजाद भागना शुरू किया और एक और उड़ता हुआ शॉट, उड़ता हुआ ये भी चार रन के लिए, छः स्कोर, छः स्कोर अंपायर ने छः स्कोर